राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम विधानसभा चुनावों में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे। उनके आने से विधानसभा चुनावों में काफी मायने देखे जा रहे हैं। भाजपा ने सुखराम के परिवार को इसी उम्मीद के साथ भाजपा में शामिल किया था कि भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। मंडी जिला में सुखराम का काफी जनाधार माना जाता है। यहां से भाजपा को सुखराम के आने से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है और उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा इस बार 6 से 10 सीटें यहां से जीत सकती है, तो इससे सुखराम और उनके परिवार का कद भाजपा में बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है कि भाजपा सरकार बनने पर अनिल शर्मा को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलना भी तय होगी, लेकिन यदि ये सीटें कम हो जाती हैं तो फिर सुखराम और भाजपा दोनों को आत्ममंथन करना पड़ेगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मंडी जिला में सुखराम का अपना अलग जनाधार है और यही नहीं, भाजपा को इसका लाभ मिलना भी तय है। जानकारों की माने तो सुखराम और उनके परिवार का भविष्य वर्तमान विधानसभा चुनावों के परिणामों पर तय होगा। आपको बता दें कि सुखराम ने वर्ष 1998 में जब अपने राजनीतिक दल बनाया था तो उस वक्त भी भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। 5 वर्ष तक ये सरकार चली और सुखराम के भाजपा के साथ संबंध मजबूत हुए थे, लेकिन इस बार सुखराम विशुद्ध रूप से भाजपा में शामिल हुए हैं और ऐसे में ये परिणाम उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय करने वाला है। अगर उनको लगता है कि जैसा उनका लक्ष्य था कि 10 में से 10 सीटें उनकी आ सकती है पंडित सुखराम को भाजपा में शामिल करने से, स्वाभाविक है कि उसको पंडित सुखराम का वर्चस्व भी माना जा सकता है, अनिल शर्मा को मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सीटें कम आई तो मुझे लगता है कि भाजपा इस पे पुनर्विचार भी कर सकती है और उनको मंत्री पद से बाहर भी रख सकती है। पंडित जी अगर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो थोड़ा बहुत जो उनका अपना जो समर्थक था, जिनके काम किए हैं, जो उनकी लोकप्रियता थी, उसके चलते बीजेपी को थोड़ा बहुत लाभ जरूर होगा। और दूसरी बात है कि यदि बीजेपी मंडी में जीतती है तो अनिल शर्मा भी अगर चुनाव जीतते हैं तो नेचुरली उनको जो है वो एक जिम्मेदारी तो बीजेपी में मिलेगी।